गुड मॉर्निंग टू क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। हम लोग आज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल का 3D चैप्टर पढ़ रहे हैं। 3E पढ़ रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ चैप्टर हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल और एक्सरसाइज हो गया 3E नाइन्थ एक्सरसाइज 3E और इसका फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3XY इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3XY इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारे दो फॉर्मूला है और इसी दोनों फॉर्मूला पर हम लोगों को प्रश्न बना गए हैं। जैसे कुछ प्रश्न हम बता चुके थे और ये पहला बता रहे हैं, जैसे दिया जाए 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब, इस तरह के प्रश्नों को मैं बता चुका हूँ। फिर मैं आज को आपको समझा देता हूँ। हम इसको मान लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू a और y/3 इज इक्वल टू b, इसलिए यह कितना हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला से क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मान रख दीजिएगा 1/x का होल क्यूब और प्लस y/3 का होल क्यूब प्लस 3 × 1/x इंटू y/3 इंटू 1/x प्लस y/3। ये हमारा सोल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे 1/x³ प्लस y³/3 त्रिका 9 × 27 प्लस ये 3 से 3 कट गया तो y/x इंटू 1/x प्लस y/3। इसको और सॉल्व करना है तो हम इसको कर सकते हैं इस तरह से y³/27 प्लस y/x² प्लस y²/3x। ये हमारा सलूशन हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले पर हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न इस तरह का है, 2 अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 2x प्लस माइनस 5y 2x माइनस 5y का होल क्यूब और माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब, यह दिया हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म पर। तो हम लोग या तो पूरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें या हम इसको दूसरे ढंग से बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इसी पर बनाना है। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस 2x लेट 2x बराबर a एंड 5y बराबर b, दोनों बराबर है, इसलिए यह हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और ये जो आएगा माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। अब फॉर्मूला लिख दीजिए, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और ये एक पोस्ट में डाल दीजिए क्योंकि इसके पहले यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस दे करके लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी।
और ये जब हो गया, अब हम माइनस चिन्ह को हटा देंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। और इससे हम देख रहे हैं कि यह ए क्यूब या ए क्यूब इस ए क्यूब से कट जा रहा है, बाकी जो है क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टू बी क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस थ्री ए बी ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, यह ए बी स्क्वायर से कट गया और माइनस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री हो गया कितना माइनस टू बी क्यूब और माइनस थ्री थ्री सिक्स सिक्स ए स्क्वायर बी और यह हो जाएगा टू बी कॉमन ले लेते हैं तो बी स्क्वायर प्लस माइनस टू बी कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देते हैं माइनस टू बी के जगह पर फाइव वाई और इंटू फाइव वाई का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर, यह हो गया माइनस टेन वाई और ये हो जाएगा पच्चीस वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर। और इसे गुणा कर दे या जो का त्यों रहने दे, यह हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को आसानी से बनाते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है तो देख रहा है कि ये इसमें का मैक्सिमम प्रश्न बन गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन अगला प्रश्न मेरा है फैक्टराइजेशन। अगर ऐसे प्रश्न है तो इसको हम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे दिया है एट ए क्यूब एट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर। इसमें हम लोग अपने फॉर्मूले पर इसको बैठा देते हैं। एट को हम लिख सकते हैं कितना टू ए का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए के जगह पर टू ए बी के जगह पर बी इंटू टू ए प्लस बी। यहाँ देख लीजिए तीन दूना छ ए छ दूना बारह ए स्क्वायर बी हो जाएगा और तीन दूना छ ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी यह हो गया कितना टू ए प्लस बी का होल क्यूब। यह हमारा यही फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये हो गया टू ए प्लस बी इंटू टू ए प्लस बी इंटू टू ए प्लस बी, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप थ्री ई एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को बना सकते हैं। आप अपने घर पर रह करके इन्हें बनाइए। साथ साथ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।